नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में शोमु बायोलॉजी के। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजीपीटी टेस्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं एएलटी टेस्ट। मतलब आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि एसजीपीटी, एसजीओटी और ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं एएलपी एक साथ दिया जाता है, जिसको कहा जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो यही लिवर फंक्शन टेस्ट में से एक होता है एसजीपीटी टेस्ट और एएलटी टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाई दिस टेस्ट, मतलब ये परीक्षा किस लिए दिया जाता है। पहली बात तो है कि ये टॉर्सो मॉडल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से ऑर्गेन के साथ ये टेस्ट एसोसिएट होता है। ऑब्वियसली ये जो लंग्स है इसको मैं हटा देता हूं यहां से, तो यहां पर आ गया सामने, ये है लिवर। तो ये एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी सारे के सारे ये जो तीनों टेस्ट है, सेरम बिलिरुबिन होता है या फिर सेरम एल्बुमिन होता है, ये चार पांच टेस्ट को एक साथ हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये लिवर की फंक्शन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं ये टेस्ट करने में हमको हेल्प करता है। ठीक, तो एसजीपीटी क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है कुछ ऐसा प्रोटीन जो हमारे बॉडी प्रिपेयर करता है, और वो प्रोटीन जाके हमारे एंजाइम्स होते हैं कुछ, जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसको डाइजेशन के बाद जो हमारे बॉडी से सेल से बना हुआ होता है, हर एक सेल में वो खाना पहुंचाने के बाद उसको यूटिलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे एक एंजाइम होता है एसजीपीटी और एएलटी। और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लिवर में। लिवर के साथ साथ ये एंजाइम जो है किडनी में भी पाया जाता है, और थोड़ा बहुत स्केलेटल जो मसल है वहां पर भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, मगर ज्यादातर एसजीपीटी और एएलटी जो है लिवर में पाया जाता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है, तैयार होता है। तो लिवर ये तैयार करता है और ये एसजीपीटी काम करता है लिवर के अंदर। अभी बात यह है कि ये एसजीपीटी अगर बढ़ जाए या घट जाए, उसके मतलब है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लिवर में। एसजीपीटी नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है ताकि लिवर नॉर्मली फंक्शन करता रहे, और लिवर हमारे बॉडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन प्ले करता है, जो कि है ऐसा कोई फंक्शन होगा शायद जो लिवर के साथ एसोसिएटेड नहीं है बॉडी में। मतलब सारे के सारे बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं खाना डाइजेशन के बाद का, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब हम जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उसके साथ साथ हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट खाते हैं, उसको डाइजेशन के बाद वो हमारे बॉडी में कैसे एनर्जी तैयार होगा, कैसे जब हम खाना खा चुके हैं तब बॉडी कैसे फंक्शन करेगा, जब खाना हम नहीं खाए हुए हैं उपवास के टाइम पे कैसे बॉडी फंक्शन करेगी, सारे के सारे चीजें लिवर तय करता है। और लिवर एक ऐसे ऑर्गन है जिसमें आकर सारे के सारे जो टॉक्सिक कंपाउंड है बाहर की, वो सारे के सारे यहां पर आके डिस्ट्रॉय होता है। तो लिवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, जो हम जानते हैं कि किडनी है, हम यूरिन जो है वो एक्सक्रीशन है, मगर एक्चुअली वो लिवर करता है। तो यहां पर लिवर अगर फंक्शन ठीक ठाक से नहीं करे तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। एसजीपीटी जो है ये अगर बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब मानो अगर ये लिवर में एसजीपीटी ज्यादा पाया जाता है, नॉर्मली लिवर में ही एसजीपीटी तैयार होता है, उसके बाद यहां पर मैं अगर लिवर को यहां से डिटैच कर लूं, यहां से अलग कर सकता हूं, ये देखिए यहां पर एक डक्ट है। तो इस डक्ट में से यहाँ पर जो डक्ट दिखाई दे रहा है, लिवर दो फ्रेगमेंट में होता है, एक बड़ा फ्रेगमेंट एक छोटा फ्रेगमेंट, यहाँ पर लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद ये डक्ट से थोड़ा बहुत ये जो एसजीपीटी, एसजीओटी होता है या फिर वो एलपी होता है वो जाके सीधे यहाँ पर स्टोर होता है। कहाँ पर, लिवर के ठीक पीछे, लिवर ऐसे रहता है उसके ठीक पीछे जो है एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, इसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। ठीक है ना, तो ये गॉल ब्लैडर में जाके वो सब स्टोर होता है कि यहाँ पर ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ से होते हुए ये जो बाइल डक्ट है, आपको मैंने पहले भी बताया कि बाइल डक्ट जो गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है ये जाके ओपन होता है कहां पर, जहां पर स्टोमक जाके इंटेस्टाइन के साथ मीट करता है, ये जगह यहां पर आप जूम करें तो भी देख पाएंगे, उस जगह को कहा जाता है ड्यूओडेनम, मतलब स्टोमक जहां पर खत्म होता है वहां से इंटेस्टाइन शुरू, और वहां पर उसको कहते हैं हम ड्यूओडेनम। तो यहां पर ये जो जितना भी बाइल सॉल्ट है और लिवर के सिक्रीशन है वो बाइल डक्ट से होते हुए जाके ड्यूओडेनम में जाके वो रिलीज होता है। अब ड्यूओडेनम में क्या है, डाइजेशन, जो स्टोमक में डाइजेशन हुआ वो हो चुका है, वो भी ड्यूओडेनम में आ जाएगा, और आखिरकार हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ड्यूओडेनम से कंटिन्यू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन होके, मतलब यहां पर ये जो देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन जगह है, यहां पर डाइजेशन कंटिन्यू होता रहेगा। व्हाट विल हैपन इफ इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, मतलब अगर ये वैल्यू ज्यादा या घट जाए नॉर्मल वैल्यू से तो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। एसजीपीटी बहुत ज्यादा लिवर में पाया जा रहा है, उसका मतलब हो रहा है कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
तो हायर एसजीपीटी का मतलब यह है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम. कैसा प्रॉब्लम? वायरल हेपेटाइटिस. कैसा प्रॉब्लम? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. इसके साथ साथ कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स हो सकता है? जैसे लीवर फेलियर, लीवर फैटीक. ठीक है, तो ये सारे के सारे डिजीज का सिम्टम हो सकता है हाई एसजीपीटी और हाई एएलटी. और अगर ये एएलटी और एसजीपीटी एक ही चीज होता है, ये अगर लो होता है, मतलब जो लैब में किया हुआ वैल्यू से लोअर होता है, नॉर्मल से लोअर वैल्यू, उसके मतलब ये है कि वो लीवर में विटामिन बी सिक्स की डिफिशियंसी है. तो विटामिन बी सिक्स की डिफिशियंसी पर लीवर नॉर्मली जो है ये एसजीपीटी एसजीओटी तैयार नहीं कर पाता. तो नॉर्मली ये एसजीपीटी एसजीओटी, जिसको हम एएलटी और एएसटी भी कहते हैं, इसका रेशियो जानना बहुत जरूरी होता है. तो इसीलिए अगर आपके रिपोर्ट में एसजीपीटी ज्यादा आया है, तो हो सकता है कि आप इनमें से किसी प्रॉब्लम में हो, आपका लीवर कुछ फंक्शन नॉर्मली नहीं कर रहा हो डेफिनेटली. और सिर्फ ये एसजीपीटी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन सी डिजीज आपको हुआ है. इसके लिए आपको एसजीपीटी एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी, उसके साथ साथ सीरम एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन, ये सब कुछ, बिलिरुबिन, ये सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है. तो चलिए, यही होता है. इसके बाद इस टेस्ट को करने के लिए कितना पेन को आपको झेलना पड़ सकता है, उसका मात्रा? सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है, मतलब सिंपली आपके ब्लड लिया जाएगा. और ऐसे कोई बात नहीं है कि आप ब्लड कभी दे सकते हैं, अभी कभी भी ब्लड दे सकते हो. जनरली सुबह ही दिया जाता है ब्लड. तो ब्लड 4 से 5 ml ब्लड लगेगा इस टेस्ट के लिए. और इसको डिफिकल्टी रेटिंग मैं 2 दूंगा, पेन रेटिंग भी 2, क्योंकि ज्यादा पेन नहीं होता है सिर्फ ब्लड लेने का बाद. इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता है. ये बीमारी कितना डेंजरस हो सकता है और उसका डिफिकल्टी रेटिंग कितना है, उसके बारे में? डिजीज कॉम्प्लिकेशंस रेटिंग में ये कह सकता हूँ कि अगर लीवर रिलेटेड कोई भी डिजीज हो तो वो बहुत ही तंग कर सकता है. तो इसीलिए डिजीज रेटिंग अगर सिर्फ एसजीपीटी के ऊपर डिपेंड करे तो मैं 6 out of 10 देना चाहता हूँ यहाँ पर. आखिर में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिनसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हो. तो टिप्स में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये एसजीपीटी ज्यादा पाया जाए, उसके साथ साथ और भी लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ गड़बड़ी महसूस होता है, तो उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस तो थोड़ा बहुत है. आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स कैसा है, मतलब बॉडी की दूसरी जगह वहां पर कलरेशन कैसा चेंज हो रहा है, मतलब इसके साथ साथ बिलिरुबिन जो है वो बढ़ रहा है या कम रहा है. और बिलिरुबिन ज्यादा हो जाए तो आपका यूरिन जो है वो ज्यादा येलोइश होगा, स्टूल भी येलोइश होगा ज्यादा. और बॉडी के डिफरेंट पार्ट, लेके आई के नीचे हो या फिर हाथ हाथ की नाखून की कुछ जगह पर जो है येलोइश महसूस होगा. तो ये सब आप ध्यान पे रखें. और डाइजेशन भी आपका जो है डगमगा जाएगा. तो यहाँ पर अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ये सब एक साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डरने के बाद थोड़ा बहुत है, क्योंकि लीवर से एसोसिएटेड है. अगर आप अल्कोहलिक हो और स्मोकर हो तो ये डरने का जो बात है वो और भी बढ़ जाता है. मगर फिर भी इसका जो डिफिकल्ट रेटिंग है और सोचने वाली बात के रेटिंग में 7 out of 10 देना चाहता हूँ. और टिप ये है कि अगर ये किसी भी सिम्टम्स आपको महसूस होता है और एसजीपीटी आपको पॉजिटिव आया है, हायर आया, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं और इमीडिएटली इलाज करवाएं. हेल्दी रहे, अच्छी रहे. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.